एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इस 15th ऑफ अगस्त के ऊपर मैं आपको ऐसी 15 टिप्स देने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहली टिप आपके लिए है कि आपके माइंड के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि फ्यूचर में किस पर्पस के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। क्या फ्यूचर है बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहते हैं, या उसकी मैरिज करना चाहते हैं, या घर खरीदना चाहते हैं। जब तक आपके माइंड के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप फोकस नहीं रहेंगे और मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे। सेकेंड टिप आपके लिए है कि अपना बजट बना के चलिए। आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए इनकम कहाँ से आ रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहे हैं। जब तक आप इसका पूरा का पूरा ट्रैक नहीं रखेंगे आपको बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं होगा कि कहाँ पर आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है और आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। थर्ड टिप आपके लिए है कि ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। जितना पैसा आप अर्न करते हैं आपने हमेशा उससे कम खर्चा करना है, अदरवाइज आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। आजकल मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है योलो बाइंग का, यू ओनली लिव वंस वाला लॉजिक, की जिंदगी एक ही बार तो मिली है, अब अगर नहीं खर्चा करेंगे, अब नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। देखिए अगर आप इस तरह से बाइंग करेंगे तो आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। फोर्थ टिप आपके लिए है कि हमेशा एमरजेंसी फंड बना के चलिए। एमरजेंसी फंड से मेरा मतलब यह है कि जो भी आपके मंथली एक्सपेंडिचर हैं उसको दिमाग में रखिए और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो पैसा है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर आपकी इनकम आनी बंद हो जाए तो कम से कम 3 से 6 महीने तक फ्यूचर के अंदर अपने लाइफस्टाइल को आप मेंटेन कर पाएंगे। बिसाइड्स दिस, हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया है कि कोविड आ गया था, अचानक से लोगों को हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ा और बहुत ज़्यादा हैवी मेडिकल एक्सपेंडिचर बिल्स को बियर करना पड़ा। तो अगर एमरजेंसी फंड होंगे तो आप इस तरह की सिचुएशन से बहुत ईजिली बाहर आ पाएंगे। फिफ्थ टिप आपके लिए है कि कभी भी अगर आपने हायर इंटरेस्ट के ऊपर कोई डेट लिया हुआ है तो उसको पे ऑफ कीजिए। देखिए मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आप उस पर EMI बनवा लेते हैं तो आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इस तरह की EMI को अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा हायर इंटरेस्ट के ऊपर आपने डेट लिया होगा उससे सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपका मैक्सिमम इनकम का जो पार्ट है वो इंटरेस्ट के तौर पर चला जाएगा और आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाओगे। सिक्स्थ टिप आपके लिए है कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को वाइजली कीजिए। किसी की बातों में आके आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपने आप को एजुकेट कीजिए, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ध्यान से समझिए कैसे वो काम करता है, वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उससे इनकम कैसे जनरेट होगी, उस इंस्ट्रूमेंट से किस लेवल का रिस्क एसोसिएटेड है और क्या आप उस लेवल का रिस्क बियर करने के लिए तैयार हैं या नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो उनसे नेगोशिएट कीजिए, काफ़ी हद तक आपका पैसा बच सकता है। सेवन टिप आपके लिए है कि अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा आप हमेशा बचा के रखें। जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ प्रपोर्शन आपको अपने रिटायरमेंट फंड के अंदर जरूर रखना चाहिए। एट टिप आपके लिए है कि अपने जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है उसको मिनिमाइज कीजिए। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो इमीडिएटली अपनी स्पेंडिंग को मत इंक्रीज कीजिए। अच्छी बात है अपने लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा अपनी इस टेम्पटेशन पे कंट्रोल रखिए। 9 टिप आपके लिए है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको डाइवर्सीफाई कीजिए। मतलब कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपना पैसा ना लगाएं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आप कुछ पैसे से शेयर्स ले सकते हैं, कुछ पैसा आप गोल्ड में रख सकते हैं, आप प्लॉट्स भी ले सकते हैं। इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सीफाई कीजिए। 10 टिप आपके लिए ये है कि हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कीजिए। देखिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन आजकल हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से हमारा काम नहीं चलता है, तो आपके पास पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, उस पे आपको रेंटल इनकम आने शुरू होगी, तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, फ्यूचर के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें बीट कर पाएंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन के अंदर भी अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे। 11 टिप आपके लिए है कि कॉन्टिन्यूसली अपने आप को एजुकेट कीजिए, अप टू डेट रखिए। मार्केट में कौन सा नया इंस्ट्रूमेंट आया है, किस तरह की वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, इस तरह की आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। 12 टिप आपके लिए है कि अवॉइड इम्पल्स बाइंग। बिना सोचे समझे आपने कुछ भी नहीं खरीदना। आप मार्केट में जाते हैं, सेल्समैन आपको कहता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, उनकी बातों में नहीं आना, आपने खुद जज करना है क्या वाकई ही आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ऐसे इम्पल्स बाइंग करेंगे तो आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। 13 टिप आपके लिए ये है,
कि ऑटोमेट सेविंग्स की तरफ जाएं, हमेशा ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को यूज़ करें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने सिप लगा दी है म्यूचुअल फंड के अंदर और एक पर्टिकुलर डे के ऊपर आपका पैसा जो है आपने वो इन्वेस्ट करना है उस म्यूचुअल फंड में, तो ऑटो डेबिट से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस दिन जिस दिन आपने फिक्स किया है वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मैन्युअली चलते हैं तो कई बार हम आलस कर जाते हैं या भूल जाते हैं, तो ऑटोमेटेड अगर सेविंग की तरफ जाएंगे तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। 14 टिप आपके लिए यह है कि कॉन्टिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहिए। अगर आपने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर के अंदर अच्छा ही परफॉर्म करे। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपको वो अच्छी रिटर्न जनरेट करके ना दे, तो आप क्या कीजिए, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको सेल कर दीजिए और उस पैसे से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती हो। इसको हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के नाम से भी बुलाते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहिए। And the last tip, which is the 15th one, is कि अपनी tax obligation को दिमाग में रखिए। आपकी क्या tax liability है और किस किस instrument के अंदर आप अपने investment करके अपने tax liability को minimize कर सकते हैं, इस पर भी जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो जहां मैंने आपको ऐसे कुछ टिप्स दी जिन्हें फॉलो करने के बाद आप सर्टनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।